नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि, और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन किया। ये एक्सपो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक संस्थानों और संग्रहालयों के डेलीगेशन भी शामिल हुए। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय संग्रहालय स्थिरता और कल्याण रखा गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। मेघवाल को आज ही उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ साथ कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार जो है वो सौंपा गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक में बनने वाले राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉक थ्रू का भी उद्घाटन किया। ये संग्रहालय भारत के अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने और प्रदर्शित करने का एक व्यापक प्रयास है, जिन्होंने भारत के वर्तमान के निर्माण में योगदान दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर ग्राफिक नॉवल संग्रहालय के साथ जो है एक दिन भारतीय संग्रहालय की निर्देशिका, कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी विमोचन किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का शुभंकर चेन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बनी जो है डांसिंग गर्ल का समकालीन वर्जन है। द ग्राफिक नॉवल राष्ट्र संग्रहालय में आने वाले बच्चों के एक समूह को चित्रित करता है, जहां वो संग्रहालय में उपलब्ध करियर के विभिन्न अवसरों के बारे में सीखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। उन्होंने पुरी और कटक रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव भी रखी। इसके अलावा 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेलवे प्रोजेक्ट्स की जनता को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इन सभी कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। नई वंदे भारत एक्सप्रेस पुरी से हावड़ा के बीच चलेगी। ये ट्रेन ओडिशा की खोरदा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालासोर और पश्चिम बंगाल के पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर जिले से होकर गुजरेगी। 500 किलोमीटर के इस सफर को ट्रेन 6.5 घंटे में पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने दोपहर लगभग 1 बजे ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पुरी स्टेशन पर मौजूद रहे। पुरी और कटक में बनने वाले नए रेलवे स्टेशनों में सभी मॉडर्न सुविधाएं जो है वो होंगी। पीएमओ के मुताबिक यहाँ यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव मिलेगा। उधर प्रधानमंत्री ने ओडिशा में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को भी जो है वो डेडिकेट किया। इससे ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी और साथ ही क्रूड ऑयल पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में करीब 71,000 और लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। ये युवा नए नियुक्त हुए कर्मचारी हैं। बता दें कि इन युवाओं की नियुक्ति केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी की गई है। रोजगार मेला देश भर में 45 लोकेशन पर आयोजित किया गया। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी जिन विभागों में अपनी सेवाएं देंगे, उनमें डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, जूनियर लेखक क्लर्क, ट्रैक मेंटेनर, सहायक अनुभाग अधिकारी और लोअर डिवीजन क्लर्क शामिल हैं। रोजगार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 9 साल पहले आज ही के दिन जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। पीएम ने कहा कि 9 वर्षों में रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रखकर सरकार की नीतियां तैयार हुई हैं। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना मुश्किल होता था, फॉर्म लेने के लिए जो है घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अब सरकारी नौकरों को जो है बहुत सारी चीजों की उपलब्धि हुई है और अब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने से रिजल्ट तक पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। ग्रुप सी एंड डी पदों के लिए अब किसी साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। इससे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर राष्ट्रपति भवन को आम दर्शकों के लिए हफ्ते में 6 दिन खोलने का फैसला लिया गया है। अब आम दर्शकों के लिए राष्ट्रपति भवन देखने और घूमने की सुविधा 5 के बजाय हफ्ते में 6 दिन के लिए उपलब्ध होगी। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। 1 जून से दर्शक मंगलवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे।
राष्ट्रपति भवन के विजिटिंग आवर सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। इस दौरान 7 स्लॉट में बुकिंग करा सकेंगे। बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम कॉम्प्लेक्स जो है वो मंगलवार से रविवार तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा। हर शनिवार राष्ट्रपति भवन प्रांगण में होने वाले चेंज ऑफ गार्ड समारोह का लुत्फ भी आम दर्शक ले सकेंगे। समारोह का समय शनिवार सुबह 8 से 9 बजे तक का होगा और साथ ही हालांकि अभी भी दर्शक राष्ट्रपति भवन में उन्हीं जगहों का दौरा कर सकेंगे जो पहले से दर्शकों के लिए खुली हुई हैं। राष्ट्रपति भवन के अधिकारी ने बताया कि यहां घूमने के लिए दर्शकों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। राष्ट्रपति भवन में अलग अलग सर्किट में लोगों को घूमने की सुविधा है। सर्किट एक में जो है राष्ट्रपति भवन की मुख्य इमारत और सेंट्रल लॉन शामिल है, जिनमें अशोक हॉल, दरबार हॉल, बैंक्वेट हॉल और ड्राइंग रूम भी दर्शक घूम सकते हैं। सर्किट टू में राष्ट्रपति भवन म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है। वहीं सर्किट तीन में राष्ट्रपति भवन के मशहूर अमृत उद्यान, हर्बल गार्डन, म्यूजिकल गार्डन और स्पिरिचुअल गार्डन आते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का सफर अब काफी रोमांचक होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 3 सालों में वाराणसी एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली से कोलकाता सिर्फ 17 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली से वाराणसी के सफर की बात की जाए तो पूर्वांचल, लखनऊ, आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए 10 घंटे का ये सफर पहले ही संभव किया जा चुका है। अधिकारियों के मुताबिक वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को साल 2026 तक पूरा करने की उम्मीद है। ये 690 किलोमीटर से 610 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा और इस यात्रा के समय को 6 से 7 घंटे तक कम कर देगा और साथ ही इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को साल 2021 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव के नेतृत्व में की गई बैठक में मंजूरी दी गई है और ताकि समय और लागत बचाने के लिए प्रमुख शहरों को हाईवे के माध्यम से जोड़ा जा सके। ये एक्सप्रेसवे मोहिनिया, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया, चतरा, हजारीबाग, रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हावड़ा और अन्य जगहों से होकर गुजरेगा। NHAI के मुताबिक जो है ये एक्सप्रेसवे वाराणसी के रिंग रोड से शुरू होगा और बंगाल के हावड़ा जिले की NH16 पर जाकर मिलेगा। डिवीजन कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने कहा कि एक्सप्रेसवे के लिए जमीन का प्रारंभिक सीमांकन वाराणसी के पास चंदौली में किया गया है, लेकिन एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का इंतजार है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व चैंपियनशिप में 2 बार रजत पदक जीतने वाली अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड और हॉकी कोच सरपाल सिंह, टेनिस के दिग्गज नरेश कुमार की पोती शिवानी को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया। खेल मंत्रालय की ओर से इन तीनों को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा काफी पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन निजी कारणों से तीनों राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार ग्रहण नहीं किए गए। इस दौरान नरेश कुमार का निधन भी हो गया। अंजुम को जो है 2019 में, अर्जुन नरेश कुमार को 2020 और सरपाल सिंह को 2021 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सादे समारोह में अंजुम और अर्जुन और साथ ही सरपाल सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड की ट्रॉफी दी। इस दौरान खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी भी मौजूद थी। नरेश कुमार लंबे समय तक भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान रहे हैं और साथ ही वो विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में भी पहुंचे। गुजरात के सूरत में चलते फिरते स्कूल की शुरुआत की गई। इसका नाम स्वामी स्मृति विद्या मंदिर है। इसको विद्या कुंज और विद्या दीप ग्रुप ने मिलकर तैयार किया है। इसमें क्लासरूम जैसी तमाम सारी सुविधाएं दी गई हैं। ये गुजरात का पहला चलता फिरता स्कूल है। इस स्कूल बस को 8 लाख से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। स्कूल बस की शुरुआत गरीब और फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए की गई है। इस बस में क्लासरूम जैसा माहौल तैयार किया गया है। बस के अंदर की सीटों को हटाकर बच्चों के बैठने के लिए बेंच लगाई गई है। साथ ही क्लासरूम की तरह बोर्ड लगाया गया है। इसमें बच्चों के मनोरंजन और ज्ञान के लिए टीवी भी लगाया गया है। इसके साथ ही बच्चों के खेलने का सामान भी स्कूल बस में रखा गया है। स्कूल बस के उद्घाटन के दौरान बच्चों को इसमें बैठाया भी गया था। उनके साथ गुजरात सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री भी जो है वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की थी, साथ ही उन्हें पढ़ाया भी था। शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल जो है पानसेरिया ने कहा कि बस में चलता फिरता स्कूल गुजरता मैं पहली बार जो है वो देख रहा हूँ। पहला स्कूल है ये। शिक्षा से वंचित रहने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए बहुत ही खूबसूरत प्रयास है। शिक्षा राज्य मंत्री ने आगे कहा कि कोशिश की जाएगी कि इस तरह की पहल को पूरे राज्य में अमल किया जाए।
इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इसके बाद राज्य के सभी सामाजिक संगठन और निजी स्कूलों अलग अलग ट्रस्टों के साथ बातचीत और मीटिंग की जाएगी। साथ ही ऐसे ही बसों में स्कूल को शुरू करने की कोशिश की जाएगी। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।